ओली की चाल से नेपाल में राजनीतिक तूफान। आंतरिक राजनीति में फिर कूदी चीन की राजदूत। नेपाल को स्थिर शासन देने का वादा करके सत्ता में आई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके विरोधी पुष्प कमल दहल प्रचंड की खींचतान के बाद टूट गई। करीब 31 महीने पहले अस्तित्व में आई दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों धड़े अब खुद को असली पार्टी बताने में जुट गए हैं। दोनों ही धड़ों ने सेंट्रल कमेटी की राजधानी काठमांडू में अलग अलग बैठक की है। प्रचंड के नेतृत्व वाले खेमे ने भी भंग की गई संसद को बहाल करने की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय में एक अलग याचिका दायर करने का फैसला किया है। अदालत में पहले ही इस मांग को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। जिनपिंग की दूत ने संभाला मोर्चा। इस ताजा संकट में भी एक बार फिर से चीनी राजदूत हायो यांकी कूद पड़ी हैं और उन्होंने नेपाली राष्ट्रपति से मुलाकात की है। नेपाली राष्ट्रपति पीएम ओली की समर्थक हैं और उन्होंने ही आम चुनाव करवाए जाने की घोषणा की थी। नेपाल में चीन की राजदूत ने ओली सरकार को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब चीनी राजदूत एक बार फिर से नेपाल की आंतरिक राजनीति में दखल दे रही हैं। इससे पहले भी ओली पर चीन की राजदूत हायो यांकी के इशारों पर चलने के गंभीर आरोप लगे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में ये सियासी उथल पुथल ऐसे समय पर हो रहा है जब चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, भारत और चीन दोनों ही नेपाल में अपनी मनपसंद सरकार को लाने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। ओली के नेतृत्व में नेपाल अब तक चीनी राजदूत के इशारे पर एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठा रहा था। नेपाल को अपने पाले में लाने के लिए चीन के राष्ट्रपति ने पिछले साल काठमांडू की यात्रा की थी। ओली सरकार ने भी चीन से दोस्ती दिखाने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से प्रशिक्षण शिविर आयोजित करवाया था। दोनों ने मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का ऐलान किया था। उधर विशेषज्ञों का कहना है कि ओली भारत के लिए स्वीकार्य प्रधानमंत्री नहीं थे। उनका कहना है कि नेपाल का अगला प्रधानमंत्री ओली के मुकाबले भारत का ज्यादा समर्थक हो सकता है। नेपाल के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ और भारतीय विदेश सचिव दोनों ने ही नेपाली नेताओं से मुलाकात की थी। इसके ठीक बाद चीन के रक्षा मंत्री भी नेपाल पहुंच गए थे। चीन ने ओली के नेतृत्व में नेपाल से काफी फायदा उठाया, लेकिन नए राजनीतिक तूफान से ड्रैगन को करारा झटका लगता दिख रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान ओली अपने चुनावी वादों को भी पूरा नहीं कर पाए। ओली पर ही भारी पड़ रहा संसद भंग करना। नेपाल में प्रचंड नीत खेमे ने केंद्रीय समिति की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ओली को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाने और पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की घोषणा की। इससे पहले ओली ने संगठन पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के उद्देश्य से मंगलवार को पार्टी की आम सभा के आयोजन के लिए 1199 सदस्य नई समिति का गठन किया था। संसद भंग करने के बाद से नेपाल में माहौल काफी गर्म है। ओली और पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के खेमों के बीच सत्ता के लिए लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बीच संसद भंग करने का कदम उठाया गया। सत्तारूढ़ दल एनसीपी का गठन मई 2018 में ओली के नेतृत्व वाले सीपीएन, यूएमएल और प्रचंड के नेतृत्व वाले सीपीएन के बीच विलय के बाद हुआ था।